विकास नगर के प्रतिष्ठित परिवार में वैवाहिक कार्यक्रम में पकवान एवं भाजी की तैयारी के लिए उत्तर प्रदेश के बिजनौर जिले के धामपुर से एनके कैटरिंग के नरेश कुमार सैनी अपनी 50 सदस्य टीम के साथ हनुमद धाम में भाजी व मिष्ठान बनाने की तैयारी में लगे हुए हैं। कैटरिंग टीम के प्रमुख नरेश कुमार सैनी ने बताया कि वैवाहिक आयोजन की भाजी में एवं मिष्ठान बनाने की तैयारी में लगे हुए हैं। कैटरिंग टीम के प्रमुख नरेश कुमार सैनी ने बताया कि वैवाहिक आयोजन की भाजी में ड्राई फ्रूट समोसा, नवरत्न नमकीन, मठरी, घेवर, चंद्रकला काजू कतली, गोंद आटे के लड्डू, नवरत्न लड्डू आदि आइटम तैयार किया जा रहे हैं। हमारे द्वारा देश के कोने कोने में हलवाई का कार्य किया जाता है। असम, बरेली, हरिद्वार, दिल्ली, मुरादाबाद आदि स्थानों पर सेवाएं दे चुके हैं। साथ में यह भी कहा कि हनुमत धाम में आकर यहाँ बहुत अच्छा लगा और ऐसा लगा कि भंडारे में ही सेवा दे रहे हैं। मेरा परिचय सर, एनके कैटरिंग, नरेश कुमार सैनी, धामपुर से, डिस्ट्रिक्ट बिजनौर, यूपी से। सर, हम जो आज विकास नगर में हनुमान धाम में प्रांगण में खड़े हैं, एक तो हमें इसकी बहुत ही खुश प्रसन्नता हो रही है कि हमारा जो आज ये किचन लगा है, हम इसके सौभाग्य हैं कि हमें आज जो है इस तरह का सौभाग्य मिला काम करने का। वैसे हम लोग विकास भैया हैं, ये यहाँ पे नवीन भैया बंसल जी, तो ये इनसे मुलाकात हमारी रुद्रपुर में हुई, तो इन्होंने कहा नहीं भाई इस तरह की खान पीन हमारे शहर में भी है, जाके आप करना। तो इन्होंने भैया ने फिर हमें बुलाया, तो हम लोग आ गए इनकी सेवा के लिए। इनकी बहन की काम है शादी। आज जो यहाँ पर आपके द्वारा आइटम बनाए जा रहे हैं, उनमें क्या क्या आइटम हैं और क्या उनकी विशेषताएं हैं? देखिए सर, विशेषता तो ये है कि हम लोग आज जो बना रहे हैं, हमारे जो भाजी का काम चल रहा है, और आज एक सजन की पार्टी भी छोटी सी, तो वो शर्मा रिजोर्ट में है। हम लोग व्यंजन बना रहे हैं यहाँ पर भाजी के, कई तरह की हमने भाजी नमकीन बनाई है, ड्राई फ्रूट समोसा बनाया है, अजवैनी पुदीना सेल बनाए हैं, अजवैनी मठरी बनाई है, और हमारी छाग है छोटी छोटी, चंद्रकला छाग है, और ड्राई फ्रूट लड्डू है, और चंद्रकला काजू कतली है, और नवरत्न लड्डू है हमारे, और हमारे आटे के गोंद के लड्डू बन रहे हैं, और कई तरह की व्यंजन हमारे जो शादी में इस्तेमाल होंगे उसकी प्रिपरेशन यही चल रही है हमारी। जैसे कि आप विभिन्न प्रांतों में जो है अपनी सेवाएं देते होंगे, अगर कोई सज्जन संपर्क करना चाहे तो कैसे संपर्क कर सकता है आपसे? देखिए, संपर्क के लिए हम लोग क्या होता है, अधिकतर जिनके यहाँ काम करते हैं ना, अधिकतर तो वही मार्गदर्शन बन जाते हैं हमारे, वही एक दूसरे को सूचना देते हैं कि नहीं भी ठीक है, ये अच्छे व्यक्ति हैं और स्वभाव भी अच्छा है, व्यंजन भी अच्छे हैं, तो इसलिए वो हम लोग परिवार टू परिवार जुड़ते चले जाते हैं। वैसे हमारा यूट्यूब पे भी है और इंस्टाग्राम पे भी, सब हमारा एनके कैटरिंग से हुआ हुआ है सारा रजिस्ट्रेशन, तो जिसको कोई मिलना चाहे तो फ़ोन पे हमारा 9491690 है नंबर, उस पर डायल करें। जिस तरह हम लोग आए फर्स्ट टाइम, जैसे हम लोग आए हमारी गाड़ी अंदर एंट्री करी, तो ये समझ लीजिए एक तो बिल्कुल इतना अच्छा हम लोगों को फील हुआ, जिस तरह का वातावरण है यहाँ का, अच्छा सुंदर, बहुत ही सुंदर वातावरण, और ये समझ लीजिए आते हमारे तो ऐसा लगा कि बस हम कहीं दर्शन पे आए हुए हैं, हमें लग ही नहीं रहा कि हम लोग कैटरिंग करें, बस हमारा भाव यही चला कि भाई लंगर चल रहा है और आज हम भंडारे के सौभाग्य बन रहे हैं। मेरा नाम सचिन तोमर है, मैं धामपुर से बिलोंग कर रहा हूँ। यहाँ पर हम हलवाई लाइन से आए हैं, कारीगर हैं, और हमें यहाँ पे भाजी वगैरह के लिए बुलाया गया है। जैसे कि आज आपने यहाँ पर पकवान बनाए हैं, तो उसमें क्या क्या खास है आइटम? इसमें हमने खास बनाया है, एक तो काजू की बर्फी बनाई है डब्बे के अंदर, एक नवरत्न बूंदी का लड्डू होता है देसी घी का, और इसमें एक ड्राई फ्रूट लड्डू हो गया, और इसमें एक गोंद का लड्डू हो गया ड्राई फ्रूट वाला, देसी घी से निर्मित है सब, सब मिठाई है। खास करके जो इनमें से जो मेन चीज़ें हैं, जो जिनकी की आप जो है प्रसिद्ध हैं, वो क्या क्या चीज़ें हैं? प्रसिद्ध में ये सब हमारे, जैसे पार्टी हमारे से कहती है, वो हम पार्टी के ऊपर निर्भर करते हैं कि आपको क्या चीज़ डिब्बे में रखना है। हमसे तो आप कहोगे 56 भोग मिठाई बनानी है, तो वो आपको बना के दे देंगे। हर तरीके के पकवान बनते हैं, हर तरीके की हर चीज़ बनती है। ये इस कार्य में कुल कितने आपके जो वर्कर हैं, मजदूर हैं, लेबर हैं, कितनी लगी हुई है? आज तो फिलहाल हमारे पास यहाँ पर, हम आए थे यहाँ पर 15 तारीख में, 15 तारीख से सुबह से हमने यहाँ काम जोड़ रखा था, आज हमें यहाँ 3 दिन हो गए हैं, और हम यहाँ पर अभी 19 तारीख तक रहेंगे। 19 तारीख को सुबह को यहाँ से हम जहाँ पर इनका फंक्शन है शादी का, वहाँ चले जाएंगे। यहाँ केवल हम एक भाजी बनाने के स्थिति से आए थे।
थोड़ा सा आपसे चाहेंगे एक दो आइटम जो है हमारे दर्शकों को दिखाएं जरा। जैसे कि हमने मीठे में ये शक्कर पारे की पार्टी वालों ने आपसे डिमांड रखी थी कि हमें मीठे शक्कर पारे चाहिए, ये शक्कर पारे हैं। ये भाजी में ड्राई फ्रूट काजू बादाम की नमकीन है। ये नवरत्न लड्डू है, दाना बना रखा है, अभी बंधा नहीं है, बनेगा ही, शाम को अभी गर्म हो रहा है। ये हमसे छाक मांगी थी पार्टी वालों ने, हमें गेस्ट के लिए किसी को देनी हो घर जब जाएगा तो बड़ी छाक देना, तो हमने उनको ये छाक बना के दी है। हर कलर में और हर डिजाइन में बनी हुई है सुंदरता के साथ। और ये काजू बादाम किशमिश के समोसे है, ड्राई फ्रूट ही है इसके अंदर, आप इसको 5 दिन 6 दिन 6 दिन भी रख के खा सकते हैं पैक करके। और ये हमारा पकवान है, मटरी हुई, घेवर बना रखे हैं, काजू कतली बना रखी है। और इसमें हमने अपना ये गोल का लड्डू तैयार कर रखा है, इसमें ये भी कल बंधेगा, आज हमने तैयार करके रख दिया है, एक दिन का समय देते हैं इसको। हमने पटरे पे बेली है राख, ये शाम को कटेगी। ये हमने गुलाब जामुन वगैरह बनाई है, कल को घर पे थोड़ा सा फंक्शन है दोपहर में शाम में, तो ये हमने मिठाई बना के दी है उनको। आपके द्वारा जो है देश के किन किन प्रांतों में जो है ये सेवाएं दी जाती हैं? जी हम ऑल इंडिया कहीं भी जा सकते हैं, लखनऊ, बरेली, अहमदाबाद, गुजरात, असम वगैरह सब जगह जाते हैं। अधिकतर हरिद्वार, ऋषिकेश, ज्वालापुर में रहते हैं। एनके कैटर्स के हमारे नाम से हैं नरेश कैटर्स, उनका नंबर है 94-12-46-41-90। जी गणेश भगवान जी की स्थापना इसलिए करते हैं क्योंकि सब कुछ गणेश भगवान जी की मदद से प्रार्थना से होता है, आशीर्वाद होता है। गणेश भगवान जी का पूजन जरूर रखते हैं और इसमें हम गणेश भगवान जी यहाँ पर विराजमान है। कल को हमारे वहाँ दावत रहेगी, वहाँ अन्नपूर्णा माता का भंडार रहेगा और इसको ज्योति को हम प्रकट करते हैं। ज्योति जब तक भंडार रहेगा यहाँ पर, जब तक ज्योति जलती रहेगी और सारा पकवान यहीं आएगा, पहले इनको भोग लगाएगा, बाद में डिब्बे में पैक होगा।